फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी के लिए ये गर्मियों की प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कॉटन का कपड़ा यूज़ किया है और इसकी लंबाई ली है मैंने यहाँ से। देखिए तीस इंच तक यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई है 3.25 इंच। 3.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। इसकी लंबाई यहाँ पर मैंने इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि हमारी ज़्यादा प्लेट्स डलेंगी। और देखिए यहाँ मैंने एक तरफ से पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, इसको इस तरह से उल्टी साइड इतनी ही लंबाई मैंने इसकी ली है। यहाँ पर मैं इसको चिपका दूँगी ताकि हमारी ड्रेस गिरी गिरी ना रहे, इससे हमारी ड्रेस का लुक कुछ खड़ा खड़ा रहेगा। देखिए इसको मैं चिपका लेती हूँ और फिर देखिए यहाँ पर इसके ऊपर इसको चिपकाने के बाद यहाँ पर मैं लेस का साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से हम डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से मोड़ कर फोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों तरफ दाब कर सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पर मैं इस लेस को इस तरह से अटैच करूँगी, यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड करके इधर वाली साइड भी और इधर वाली साइड दोनों साइड ये लेस लगा कर मैं अटैच कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए यहाँ पर प्लेट्स डाल ली है और ये देखने में कुछ इस तरह से लग रही है। देखिए, और देखिए यहाँ पर कमर की लंबाई रही है हमारे पास, यहाँ से हम इसको इस तरह से नापेंगे। पौने 5 इंच यहाँ पर हमारी ये कमर की लंबाई रही है। अब देखिए, अब हम एक यहाँ पर हमने एक पीस कट किया है, उसकी लंबाई है हमारे पास 8 इंच। 8 इंच ये लंबा है और देखिए 2.25 इंच ये चौड़ाई में है। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। और साइड में यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर देखिए हम इस लेस को दोबारा से अटैच करेंगे। अगर हम इसको पूरी को रखेंगे तो ये पूरा ही ढक जाएगा, तो हम इसको हाफ हाफ करके इस तरह से थोड़ा सा नीचे देंगे और इस तरह से हम इसको एक सिलाई के साथ अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको हम बीच में से इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम यहाँ पर 2 इंच तक हम यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इतने में सिलाई लगा ली है। अभी इसका हम सेंटर लेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पर सेंटर में मैंने ये निशान लगा लिया है। अब देखिए सेंटर से इसका भी हम सेंटर लेंगे यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सेंटर में मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए इस तरह से हम इस बाजू को यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए यहाँ से कॉर्नर पर हम लेंगे इसको और यहाँ से इस तरह से लेंगे। देखिए, और यहाँ पर एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसको देखिए ऐसे घुमा कर लेंगे और इस कॉर्नर से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे और दोनों के ऊपर मैं यहाँ तक सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये चोली इसके ऊपर लगा दी है। देखिए ये देखने में कितनी प्यारी लग रही है और इसकी लुक बहुत ही अच्छी आई है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।